नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। बात करते हैं कक्षा 6-7 गणित विषय के कार्यपत्रक 66 की। 66 में रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, 11 से विभाज्यता के नियम की जांच करनी है, 308 संख्या दी गई है, दाएं से विषम स्थानों के अंकों का योग करना है, यहाँ पे फिर 0 आता है तो वह 11 से अंतर कितना है, विभाजित है या नहीं है पता करना है। इसी तरह 1331 है तो 1 और 3 को जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, 4 में से 4 घटाने पर 0 हो गया। इसी तरह अगले अंकों को भी आपको इस तरह से लिखना है, जिसमें आपको सभी अंकों के विषम स्थानों पर आए हुए अंकों का योग करना है। योग का अंतर सम और विषम स्थानों पर आए हुए दोनों का अंतर 0 आता है तो वह 11 से विभाजित होगी, वरना नहीं होगी, तो इसलिए जांच करनी है सभी में आपको। फिर दूसरा प्रश्न दिया गया है जिसमें आपको ऑप्शन राइट करना है, जैसे कि यहाँ पे एक संख्या नहीं लिखी गई तो रिक्त स्थान में पहले में 1 आएगा, जिसके बाद उत्तर राइट होगा 2 नंबर ऑप्शन। यहाँ पे कम से कम क्या घटाया जाएगी, 10 से विभाजित होता है, कम से कम 2 अंक घटाएंगे तो 10 से ये संख्या 5772 विभाजित हो जाएगी। यहाँ संख्या दी है 6655, जिसमें से 0 जोड़ा जाएगा तो वो 5 से विभाजित हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। पांचवा प्रश्न है जिसमें विभाज्यता के नियमों के आधार पर जांच करके आपको बताना है, 2 से विभाज्य है तो टिक किया, 3 से है तो टिक किया। इसी तरह अगली संख्या है 8958, जो कि 2 से विभाज्य है, 3 से है, 4 से नहीं क्रॉस करेंगे, 5 से क्रॉस करेंगे, 6 से है, 7 से, 8 से नहीं है, 9 से नहीं है, 10 से भी नहीं है और 11 से भी नहीं। इस तरह से सभी संख्याओं के आपको राइट या क्रॉस का सिग्नल लगाना है विभाज्यता की जांच के आधार पर। तो इस तरह से आप कार्यपत्रक 66 पे कार्य करेंगे। 67 में पहला प्रश्न दिया गया है, दी गई संख्याओं के जो गुणज है उन पर गोल घेरा लगाना है। यहाँ गुणज तात्पर्य होगा कि उस संख्या में उसका ही भाग जाएगा, जैसे कि 7 है, 7 का 14 में भाग जाता है, 14 इसका गुणज होगा, 21 होगा, 28 होगा, 35 होगा, 44 होगा, इस तरह से। इसी तरह 9 के 18, 27, 36, 45, 63, 81, 90, 99, 12 के 12, 24, 36, 48, 60, 84, 96, 120। इसी तरह नीचे दिए गए संख्याओं के पहले 5 गुणज लिखने, 2 के जैसे 4, 6, 8, 10, 12, 7 के 14, 21, 28, 35, 42, 5 गुणज आपको लिखने हैं, जैसे कि 12 का 24, 37, 48, 60, 72, 15 का 30, 45, 60, 75, 90 हो जाएगा। तीसरा प्रश्न दिया गया है, उन संख्याओं पर गोला लगाना जो कि दी गई संख्या का समान गुणज हो, जैसे कि 2 और 3 दोनों का भाग जाता है 6 में, 6 के ऊपर गोला घेरा करेंगे, फिर 12 में जाएगा, फिर 18 में जाएगा। इसी तरह 4 और 5 का 20 में जाएगा, 7 और 9 का 63 में जाएगा, 8 और 3 का 24, 48 और 72 में जाएगा। फिर चौथे प्रश्न में आपको दी गई संख्याओं के पहले 2 समान गुणज लिखे, समान गुणज है उनको आपको लिखना है, जैसे कि 2 और 5 के पहले 2 समान गुणज होंगे 10 और 20, यहाँ आपने अलग अलग दोनों के लिखने हैं, फिर गोल घेरा करके पता करना है यहाँ 10 होगा और यहाँ पर भी 20 आया है। इस तरह 4 और 4 के पहले लिखेंगे 8, 12, 16, 20, 24, 6 के लिखेंगे, फिर दोनों में देखेंगे आप यहाँ भी 12 आया, यहाँ 12 आया, यहाँ 24 आया, 24 आया, दोनों के 12 और 24 समान होंगे। इसी तरह आगे 8 और 12 के 24 और 48 होंगे, तो समान गुणज को आपको लिखना है दोनों में। उसके बाद आता है OCR आधारित आकलन आता है, जिसमें पहले प्रश्न में आपका होगा 1000 दीपक उत्तर, दूसरे में 25 डिब्बे होंगे, तीसरे प्रश्न में 48000 उत्तर होगा राइट, चौथे प्रश्न में 800 रुपये होंगे, पांचवे में 36 का गुणनखंड 5 नहीं होगा, बाकी सारे गुणनखंड होंगे, सात छठे प्रश्न में 7 का गुणज 21 होगा, ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा, सातवें प्रश्न में आपको 20 के सारे गुणनखंड ज्ञात करने हैं तो 1, 2, 4, 5, 10, 20 हो जाएंगे, आठवें प्रश्न में उत्तर हो जाएगा 5437, जो कि 9 से पूर्णतः विभाजित है, यहाँ हो जाएगा 6 अंक रिक्त स्थान पे आएगा, ऑप्शन नंबर 3, और दसवें में हो जाएगा 9, जो कि 279 का गुणनखंड है। तो इस तरह से OCR आधारित आकलन हल करेंगे। फिर आता है कार्यपत्रक नंबर 68। 68 में आपको 16 और 24 का सबसे बड़ा समान गुणनखंड ज्ञात करना है, 16 का गुणनखंड हो जाएगा 1, 2, 4, 8, 16, इसी तरह 24 के 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, अब इसमें समान, इसमें 1 आया है, इसमें भी 2 आया, इसमें भी 2 आया, इसमें 4 आया, इसमें 4 आया, इसमें 8 आया, इसमें 8 आ गया, अब सबसे बड़ा 8 हो गया समान गुणनखंड, तो इस तरह से आपको लिखना है। उसके बाद आपको 2 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित संख्याओं के समान गुणनखंड लिखना है, 6 और 15 में समान गुणनखंड हो जाएगा 3, 12 और 24 का हो जाएगा 2, 34 का, 15 और 36 का 3, 45 और 85 का 5 हो जाएगा। तीसरे प्रश्न में आपको वही बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी जिसका 37 और 45 में पूरा पूरा भाग जाता है, तो आपको सबसे पहले दोनों के गुणनखंड लिखने हैं, फिर इनमें समान गुणनखंड लिखने हैं, और सबसे बड़ी है 9 समान गुणनखंड जिसका दोनों में भाग पूरा पूरा जाएगा,
दसवें प्रश्न में बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसमें 10, 20, 60 और 80 पूरा पूरा भाग जाता है, तो वो होगी संख्या 10। तो गुणनखंड के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं आप। फिर आता है कार्यपत्रक नंबर 69। 69 में आपको 7 के 8 अपवृत्तीय यहाँ गुणज लिखना है, तो यहाँ बन जाएंगे आपको 8 गुणज, यहाँ इस तरह से लिखेंगे 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63। इस तरह 5 के यहाँ पे 8 लिखना है, तो 5 के 10, 15, 20, 25, 35, 30, 45, 50, तो ये लिख सकते हैं आप कोई भी। दोनों के समान, दोनों में समान आया एक तो 35 और सबसे छोटा समान वो भी 35 ही होगा। दूसरा प्रश्न दिया गया है जिसमें लघुतम समापवर्ती ज्ञात करना है 8 और 12 का, तो इस तरह से सबसे छोटी संख्या का भाग देंगे, 2 का 4 6 बार जाएगा, फिर 2 का देंगे 2 3 बार जाएगा, 2 का देंगे 1 बार और 3 में 3 बार जाएगा, फिर इसका हो जाएगा इसी तरह। इस तरह 3 और 10 का ज्ञात करेंगे 30 हो जाएगा, 5 और 15 का 15 और 7 और 8 का 56 हो जाएगा। फिर तीसरे प्रश्न की बात करते हैं, यहाँ पे 16 और 32 दिया गया है, तो पहले इसके गुणनखंड ज्ञात करेंगे, फिर इसके भी ज्ञात करेंगे, वो 1, 3, 4, 5, फिर दोनों में समान जो होगा वो सबसे बड़ा यहाँ पे आपको लिखना है। चौथे प्रश्न में आपको महत्वपूर्ण समापवर्तक ज्ञात करना है 64 और 120 का, तो इसका हो जाएगा 8, 24 और 36 का 12 हो जाएगा, 128 और 54 का 2, 39 और 26 का 13 हो जाएगा। फिर आता है कार्यपत्रक नंबर 70 जिसमें आपको लघुतम समापवर्तक ज्ञात करना है, तो यहाँ पे अलग अलग संख्याओं का जैसे कि पहला किया हुआ है जिसका उत्तर 252 दिया गया है, इस तरह 77, 78, 132 का इस तरह से ज्ञात करेंगे आप, इसका टोटल हो जाएगा 1848 सभी संख्याओं का गुणा करने पर। फिर तीसरे का हो जाएगा 360, फिर चौथे का हो जाएगा 1080 इस तरह से ज्ञात करेंगे, इसका हो जाएगा 2100 और छठे का हो जाएगा 100। दूसरे प्रश्न में आपको महत्वपूर्ण समापवर्तक और अभाज्य गुणनखंड की विधि से ज्ञात करना है, तो यहाँ 30 का और 45 का अलग अलग किया हुआ है, फिर दोनों में कॉमन संख्या है 3, 3 आई हुई है, एक बार तो 3 ले लिया, 5 भी आई हुई है 5 को ले लिया, 3 × 5 = 15 हो गया, इतने 16 और 24 का ज्ञात करा, दोनों में कॉमन संख्या है 2, 2, 2 आएगी 3 बार, टोटल 8 हो जाएगा इसका मतलब। इसी तरह आगे 42, 49 और 63 है, तीनों का अलग अलग ज्ञात करेंगे, तीनों में कॉमन संख्या 7 आई है, यहाँ 40, 72 और 36 इसमें कॉमन संख्या 2 आई है, तो इस तरह से आपको कार्यपत्रक 70 तक कार्य करना है। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।